नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावित्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बदायूं के दातागंज 117 विधानसभा पर कांग्रेस की सीट को लेकर अटकलें अब समाप्त हो गई है। दातागंज 117 विधानसभा पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी आतिफ खां को घोषित कर दिया है। वहीं इसको लेकर दातागंज से कांग्रेस नेता आतिफ खां से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विजय राठौर ने। क्या कुछ कहा आतिफ खां ने, आपको सुनवाते हैं। बदायूं जनपद की जिस तरह से दातागंज सीट पे अटकलें थीं, वो अटकलें जो हैं समाप्त हो गई हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से आतिफ खां जख्मी को 117 विधानसभा से जो है अपना उम्मीदवार चुना है। आज उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि यहाँ से एक बार पार्टी ने तो भरोसा जताया है और आप जनता के बीच अपने क्या वादे लेकर के जाएंगे, किस तरह के आपके मुद्दे होंगे, ये सब चर्चा करेंगे। आतिफ खां जख्मी हमारे साथ हैं। आतिफ जी, कि जनता के बीच किस किस तरह के हम लोग वादे कर लेकर के आप जाएंगे, पार्टी ने तो भरोसा जताया है, आप पार्टी के लिए कितना भरोसा लेकर के जनता के पास? पार्टी ने 117 विधानसभा दातागंज में एक इतिहास रचा है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी पे भरोसा जताया है। मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ और ख़ास तौर से बहन प्रियंका जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जात पात को छोड़कर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आज तक यहाँ से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी मुस्लिम समाज से नहीं रहा है। और तो और किसी दल ने भी आज तक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और 72,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है और सब ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को हम धोखा नहीं देंगे, पेल के मतदान करेंगे और खूब ताकत से मतदान करेंगे। इस तरीके से जो मुझ पर भरोसा जताया है, जो प्रियंका जी की प्रतिज्ञाएँ हैं, उन पर मैं खरा उतरूँगा। और विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं को लेकर है। मैं छत्तीसगढ़ का मॉडल पेश करके भूपेश बघेल जी के आदर्शों पर चलकर बड़े बड़े जंगलों में गायें छुड़वाऊंगा। योगी जी की तरह गाय अब कटने और सड़ने नहीं दी जाएंगी, बड़े बड़े जंगलों में गाय छोड़ी जाएंगी और किसान आराम से सोएगा। ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता का वायदा है। आतिफ जी, जिस तरह से जो जातिगत समीकरणों की अगर बात आती है, तो क्या इस बार राजनीति किस तरह मोड़ ले रही है, किस तरह हवा है, क्या आंकड़े जातिगत से बढ़ने वाले हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में वैसे जातिवाद को लेकर चुनाव होता है, लेकिन कांग्रेस जातिवाद में विश्वास नहीं रखती है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने आज ऐसे नेता को टिकट दिया है जिसकी जाति इस विधानसभा दातागंज में सबसे ज़्यादा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन कराने बरेली पहुंचे। इस बीच समाजवादी पार्टी से शहजल इस्लाम भी नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। इस बीच उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक ने क्षेत्र में विकास नहीं किया बल्कि अपना विकास किया है। वहीं शहजल इस्लाम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी ने। क्या कुछ कहा शहजल इस्लाम ने, आपको सुनवाते हैं। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है, ऐसे में तमाम सियासी दल के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के भौजीपुरा सीट से शहजल इस्लाम है, जो कि उन्हें बिसारत में सियासत मिली है, उनके दादा से लेके पिता, और आज खुद वो सियासत के मंच पे हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं उनका परिवार। इसी को लेकर भौजीपुरा से वो विधायक भी रहे हैं। फिलहाल भौजीपुरा में जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या को लेकर यहाँ कर जो युवा है वो बाहर और प्रदेशों में जाकर रोजगार तलाश करता है। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे शहजल इस्लाम से कि क्या वो अगर वो विधायक बनते हैं इस सीट से, तो वो क्या यहाँ पर रोजगार को लेकर किस तरीके से काम करेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपको स्वागत है। किस तरीके से रोजगार की चुनौतियाँ हैं, तमाम युवा जो हैं वो बाहर जाते हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और तमाम युवाओं को रोजी रोटी से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने रोज़गार तो नहीं दिए, उन्होंने रोज़गार तो नहीं दिए जो हमारे रोजी रोटी से रोज़गार से लगे हुए थे कोरोना काल में, उनकी नौकरी छीनने का जरूर काम किया है। हमारी सरकार जब बनती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही कहा था कि हम जो है लाखों लोगों को रोजी रोटी से जोड़ेंगे, IT सेक्टर में उन लोगों को मतलब नौकरियाँ दे करके उनको रोज़गार देंगे। जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उन्होंने विकास भी कराया है, आपके विकासों को नकारा है, फिलहाल उसको लेकर तमाम सड़कें हैं गांव के जो अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं शहर के सड़कों, तो उनको किस तरीके से काम करेंगे? जो भी हमने 15 साल, हम भी MLA रहे, 15 साल में हमने भोजीपुर विधानसभा का बहुत विकास किया, चाहे वो पुलों की बात हो या सड़कों की बात हो,
और गांव से लेके शहर तक के पुल, जो गांव से लेके शहर तक की जो सड़कें थी, जो लोग को पानी में तैर करके डूब करके आना पड़ता था, लेकिन हमने जो है बहुत पुल बनवाए सड़कों से और शहर को गांव से जोड़ने का काम किया। और रही बात जो है आने वाली अब सरकार, सारी पार्टी सरकार जब हमारी बन जाएगी तो जो काम बचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो काम नहीं हो पाए, वो काम जो है हम सारी पार्टी के कार्यकाल में करने काम करेंगे। रोजगार को लेकर क्या करेंगे? रोजगार को लेकर के हमने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये मतलब निवेदन किया है, जब सरकार बन जाएगी तो हमारे भोजीपुरा के अंदर कृषि विभाग की सैकड़ों एकड़ जो है भूमि खाली पड़ी हुई है, उसके अंदर कृषि विश्वविद्यालय खुलने का काम करेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय खुला हुआ, इसी तरीके से प्रदेश के अंदर हम कृषि विश्वविद्यालय खुलने का काम करेंगे, जिससे छात्रों को जो है शिक्षा भी ग्रहण कर सके, उसके साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सके। तमाम प्रत्याशी मैदान में किससे फाइट मार रहे हैं? हमारी फाइट किसी भी प्रत्याशी से नहीं है, क्योंकि सारी पार्टी के ये आंधी चल रही है, लहर चल रही है, इसके आगे दूर दूर तक कोई आगे पीछे नहीं है। ये थे हमारे साथ सैजल इस्लाम, जिन्होंने सियासत विसारत में ली है और तमाम युवाओं के लिए काम करने की बात कही। के साथ बरेली से न्यूज़ इंडिया के लिए आसिम अंसारी। वही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। लखनऊ में 9 विधानसभाओं पर चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से 3 फरवरी तक की जाएगी। यहां पर प्रत्याशी अपना सुबह 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक पर्चे दाखिल कर सकते हैं। DM अभिषेक प्रकाश ने बताया कि 9 विधानसभा पर चुनाव होंगे, जिसमें 9 विधानसभा अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए। आप हमारे सामने देख सकते हैं, इस समय 168 मलियाबाद विधानसभा कक्ष बनाया हुआ है। इसके बाद ही बक्सी तालाब कक्ष, ऐसे करके 9 कक्ष बनाए गए। साथ ही साथ पूरे कक्ष में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप हमारे साथ देख सकते हैं, लगातार पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहाँ पर जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही साथ CCTV कैमरे से भी जगह जगह पर निगरानी की जा रही है। अगर हम आपको ले चलते हैं CCTV कैमरे में, आप देख सकते हैं यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। CCTV कैमरे से लगातार पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। हमारे साथ CCTV कैमरे ऑपरेटर भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कितने कैमरे लगे। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह नाम है मेरा। कितने कैमरे यहाँ पे लगे? 40 कैमरे लगे हुए हैं। क्या कितनी देर की रिकॉर्डिंग कैसे चल रही है यहाँ पे? टोटल 24 घंटे की रिकॉर्डिंग है आपका, 24 घंटे कैमरे ऑन रहेंगे। और क्या पूरी एक्टिविटी, आना जाना पूरे कलेक्ट्रेट में, कहीं से भी हर दरवाजे से इसकी निगरानी की गई है। 9 कक्ष बनाए गए, उसमें कितने कैमरे लगाए? 9 कक्ष हैं, हर कक्ष में 3 कैमरे लगे हुए हैं और उसके बाहर भी आपका गेट पे भी लगे हुए हैं, हर कक्ष के बाहर गेट पे। और गैलरी होगा, आपने देखा होगा, गैलरी में भी पूरे लगे हुए हैं और हर गेट के आसपास अनाउंसमेंट सिस्टम भी है, वो भी रखा हुआ है। तो साफ तौर पर बताया गया पूरी तरह से सुरक्षा इंतजाम इस बार DM अभिषेक प्रकाश ने किए गए हैं। लगातार जो 9 कक्ष बनाए गए, 9 कक्ष में 3-3 कैमरे लगे गए। साथ ही साथ पुलिस भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। 24 घंटे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन ज्ञानेश के साथ हिमांशु गर्ग, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में चुनावी रैली के लिए पहुंचे। CM पहुंचे पुलिस लाइन के हेलीकॉप्टर से उतरकर बिजनौर के जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान DM और SP सहित जिले के आला अधिकारी CM के साथ मौजूद रहे। CM ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने DM और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बिजनौर पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। तो CM योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का निरीक्षण किया, उनके साथ उस वक्त DM और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अंतिम प्रत्याशियों की सूची घोषित होने के बाद सतपुली में आक्रोश शुरू हो गया है। दरअसल पिछले 10 सालों से क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे राजपाल बिष्ट का टिकट काटकर अन्य व्यक्ति को टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध जाहिर किया। कई ब्लॉकों के अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्षों का कहना है कि जो व्यक्ति 10 सालों से क्षेत्र में मेहनत कर रहा है और उसे मौका न देकर बाहरी व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है, वो सही नहीं है। इस निर्णय से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज हैं, जिससे 4 ब्लॉकों
एकेश्वर, पोखड़ा, बीरूखाल और द्वारीखाल के अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व से आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द अपने फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चौबट्टाखाल क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक भी कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा। मैं एक आम परिवार से था, पार्टी ने 2012 और 17 में मुझे टिकट दी। इस समय जो हमारे साथी हैं उनकी पीड़ा, क्योंकि लगातार 10 साल से वो लोग यहाँ संघर्ष कर रहे थे और इस बार उन्होंने कांग्रेस को एक मुकाम तक पहुँचाने का काम किया था, पीड़ा उनकी ये है कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जिस तरह की छवि के व्यक्ति को टिकट दी है, वो दर्द यहाँ कांग्रेस जनों में है और चौबट्टाखाल के क्षेत्र के जनता को है। दर्द इस बात का नहीं कि राजपाल बिस को टिकट मिला या नहीं मिला, दर्द इस बात का है कि चौबट्टाखाल का जो भविष्य वो अपने सपनों में उन्होंने संजोया था, उन सपनों का क्या होगा। भारी दबाव है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में आया जाए और उस दबाव को मैं अभी अपने साथियों को समझा भी रहा हूं। अब ये देखना है कि मैं उनको समझा। सुबह से यहां पे बड़ा जमावड़ा था, अब भी सारे कार्यकर्ता यहां पे खड़े हैं और जो सहानुभूति सभी कार्यकर्ताओं की राज्यपाल बिस जी के पे विश्वास था, वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी हो या सेंटर की जो हमारी कार्यकारिणी है, उनने यहाँ चौबट्टाखाल की जनता के साथ विश्वासघात किया। हम ये मांग करते हैं कि अभी भी जो हमारा हाईकमान है वो इस चौबट्टाखाल में विचार करे और तभी जाके चौबट्टाखाल से कांग्रेस का विधायक बनेगा। हम लोगों की मांग ये है कि आप लगाइए कि इतने वर्षों से हमारा कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहा था और जितने कार्यकर्ताओं ने हमारा काम किया है यहाँ पे, वो इस ध्येय के साथ था कि ये विधानसभा हमारी है, ये क्षेत्र हमारा है और हमारे बीच का हमारा जनप्रतिनिधि ही यहाँ पे टिकट का हकदार है, उसका दावेदार है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना संघर्ष किया, मेहनत किया, एक खत्म हुए संगठन को कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं था, कांग्रेस के खत्म संगठन को उन्होंने खड़ा किया है, अपना सर्वस्व दिया है और उसके बावजूद अगर यहाँ पे चौबट्टाखाल का टिकट ऊपर बैठे लोग किसी बाहर वाले व्यक्ति को देते हैं, दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो क्या लगता है कि चौबट्टाखाल में कोई कार्यकर्ता नहीं है, चौबट्टाखाल में कोई जननेता नहीं है हमारा, ये चौबट्टाखाल इस तरह की विधानसभा हो गई कि कोई भी आके यहाँ पे आए और टिकट लेके आ जाए और हम उसके लिए काम करेंगे? नहीं, हमारी आज यही मांग थी और यही विरोध था कि ये विधानसभा हमारी है, हम यहाँ के कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र हमारा है, व्यक्ति भी हमारे ही द्वारा चुना जाए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था, हरीश रावत के साथ भी यही हुआ।
देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं न्यू फॉर इंडिया। लालकुआ में बीजेपी से बगावत करने के बाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करेंगे। लालकुआ तहसील कार्यालय में पवन चौहान अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और हजारों समर्थकों के बीच निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। खबर बलिया से है, जहां मंत्री के कोल्ड स्टोरेज के बाद बलिया के फेफना विधानसभा के जूनियर हाई स्कूल पखचोरा में दूसरी जगह ट्राई साइकिल मिलने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर चुनावी उड़नदस्ता और एसडीएम ने छापेमारी की, जहां मौके से 18 ट्राई साइकिल बरामद की गई। वहीं सपा नेता संग्राम सिंह यादव ने चुनाव आयोग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मंत्री पर सरकारी सामानों की डकैती का आरोप भी लगाया गया है। वो विकलांग लोगों का ट्राई साइकिल है, वो एक रूम में पड़ा हुआ है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आए तो फ़ोन किए हमको, तो मैं आया तो उसमें साइकिल 18 साइकिल था, तो लोग थाने से फोर्स बुलवा करके सील करवा के गए हैं जी। एक कौन थे आए थे वहाँ पे, जो अधिकारी आए थे, कैसे क्या सूचना मिली आपको? सेक्टर मजिस्ट्रेट फ़ोन किए थे। क्या बताया आपको? बताया कि इसमें साइकिल है, सील करवाना है, तो ये मास्टर साहब को बुलवाया, प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल साहब आए, ताला उला खुला, उसके बाद हम उनके मौजूदगी में हम भी थे, थाने की भी फोर्स थी, वहाँ सील उल करवा के गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी जिला प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। जब चुनाव आयोग को शिकायत की जा रही है, जब चुनाव आयोग का डंडा कर रहा है, तब ये प्रशासन जग रहा है। दो जगह छापेमारी हुई, दो जगह मिला, अभी तीसरी जगह अभी मैंने सूचना दिया है, अभी तीसरी जगह भी साइकिल रखी हुई है और विकलांगों का सामान रखा हुआ है। माननीय मंत्री ने कितनी डकैती किया है इन सामानों का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये डकैती करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और प्रशासन, जिला प्रशासन, हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, जिला प्रशासन इस पर एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहा है। इस तरह से कैसे पारदर्शी चुनाव होगा जब जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा? जिनके घर में ये, जिनके कोल्ड स्टोरेज में ये सामान मिला है, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। मंत्री के भाई और मंत्री का खुद का कोल्ड स्टोरेज है, भाई तो एक बहाना है केवल, उनके कोल्ड स्टोरेज में ये सरकारी सामान गया किसे, और गया तो किन अधिकारियों की मर्जी से गया, कौन से अधिकारी संलिप्त थे इसमें, उन अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, जो आचार संहिता का खुला खुला उल्लंघन कर रहे हैं और मंत्री के साथ मिल करके उनको चुनाव जिताने की साजिश कर रहे हैं। वही बांदा में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां पर 3 फरवरी तक नामांकन होने हैं, जिसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 7 फरवरी को नाम वापसी होगी। नामांकन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कचहरी के आसपास कई जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। वहीं प्रत्याशियों की तलाशी के बाद नामांकन स्थल पर उन्हें प्रवेश मिल पाएगा। ये नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, जनपद का चुनाव चौथे चरण में 23 फरवरी को होना है। इसके अंतर्गत चारों विधानसभाओं का नामांकन स्थल सदर तहसील के विभिन्न कक्षों में होना है। इस संदर्भ में 100 मीटर और 200 मीटर पर
सभी दिशाओं में बैरियर लगा करके लोगों का आना जाना इधर से प्रतिबंधित किया गया। डाइवर्जन के लिए इधर केवटरा की तरफ से आने वाले लोगों को जेल रोड होकर के और इधर शहर की तरफ से आने वाले लोगों को मेन फ्लाईओवर, बड़े फ्लाईओवर से, नए फ्लाईओवर से और इधर आपके कालू कुआं होकर के और जीआईसी के तरफ से डाइवर्ट करके डीएम कॉलोनी होते हुए उधर से ये सब के जाने की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप अवगत हैं कि हमारा जनपद जो है इसकी चारों विधानसभाएं हैं, इस चौथे चरण में यहाँ नामांकन होना है और आज हमारे जितने चारों रिटर्निंग अफसर हैं इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसको नोटिस बोर्ड पर छपा कर दिया है। आवाज़ से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज से लेकर कोई भी कैंडिडेट जो है अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। तो आज तो भी कुछ लोग एक आध दो लोग पर्चे ले गए हैं, खरीद रहे हैं और हमें लगता है कि एक दो दिन बाद ही वास्तविक रूप में पर्चे दाखिल कर प्रक्रिया शुरू होगी। सारी तैयारी हो गई है, हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है और हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और चार जगह हैं, चारों विधानसभाओं का नामांकन जो तहसील में होगा। जौनपुर के विधानसभा सीटों में से चार सीटों को लेकर सपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। शाहगंज विधानसभा से जहां मौजूदा विधायक शैलेंद्र यादव ललई को टिकट मिला है तो वहीं मल्हनी से भी मौजूदा विधायक लकी यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बदलापुर से ओम प्रकाश बाबा दुबे को तो केरावत से तूफानी सरोज को टिकट दिया गया है। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन का चेकिंग अभियान जारी है। इसी कड़ी में कानपुर देहात के थाना अकबरपुर पुलिस और उड़न दस्ता टीम ने कार सवार के कब्जे से 9,45,650 रुपए बरामद किए। कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में टोल 12 में चेकिंग के दौरान एक कार को रोका गया जिसमें कार सवार से पूछताछ और कार की तलाशी ली गई। वहीं जब उससे पूछा गया तो वो रुपए रखने का स्पष्ट कारण नहीं बता सका, जिसके संबंध में थाना अकबरपुर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में नियमित रूप से सघन चेकिंग का संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों का अभियान चलाया जाता है। उसी क्रम में आज प्रातः टोल 12 पर लगभग 6:30-7 बजे के आसपास हमारे चौकी प्रभारी द्वारा चेकिंग की जा रही थी पुलिस बल के साथ, तभी कानपुर नगर की तरफ से एक वाहन जिसका नंबर UP 78 FK 0454 था उसको रोका गया। चेकिंग के दौरान उसमें 9,45,650 रुपये मिले। जो व्यक्ति उसमें गाड़ी में थे उनके पास उसका कोई दस्तावेज नहीं था जिनके बारे में वो कोई सटीक जानकारी नहीं दे सके, जिसके संबंध में तत्काल FST टीम को वहाँ बुलाया गया और FST के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके द्वारा उनको धनराशि को अपने कब्जे में लिया गया है और उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वही उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं तहसील कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हरीश रावत लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। हरीश रावत के चुनाव लड़ने के बाद सभी कांग्रेस एकजुट हो गई है। हरीश रावत के चुनाव लड़ने के लिए पूर्व कैबिनेट हरीश चंद्र दुर्गापाल और वरिष्ठ नेता हरेंद्र पुरा के समर्थकों ने भी ताकत झोंक दी है। वही दर्शकों, चमोली की तीन विधानसभा सीटों के लिए अब तक कुल 23 दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें अभी तक सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशी कर्णप्रयाग विधानसभा से और 8 प्रत्याशी बद्रीनाथ विधानसभा से और सबसे कम 4 प्रत्याशियों ने थराली विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया है। वही नामांकन के अंतिम दिन देखने वाली बात होगी कि जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर और कितने उम्मीदवार नामांकन कर सामने आते हैं। बहरहाल थराली विधानसभा के लिए कांग्रेस से डॉक्टर जीतराम, आप से कुट्टूराम और बीजेपी से भोपाल राम ने नामांकन किया है। थराली विधानसभा की जनता ने पूर्व में मुझे 2012 से 17 तक आशीर्वाद दिया था और इस क्षेत्र की सेवा का अवसर प्रदान किया था और हमने इस क्षेत्र की सेवा पूरे मनोयोग से किया है और आने वाले समय में भी जो थराली विधानसभा की इन 5 सालों पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तमाम कार्य अवरुद्ध हुए जो विकास होगा उस विकास को आगे बढ़ाने का काम होता है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में जो विकास के लिए तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, कृषि का जो है बहुत बड़ी समस्या है, तो ये तमाम समस्याओं को हम आगे दूर करने का प्रयास करेंगे और जनता के विकास के लिए जनता के हित में आगे बढ़ के काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने
शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र की जनता का, मातृशक्ति का, युवाओं का, नौजवानों का, व्यापारियों का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी जन भावनाओं के अनुसार मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक रही कि सरकार, तो हम तो ये समझते हैं कि शायद उससे भी आगे हम जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।